डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 11 हेयर. शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ओ ए टेंजेंट ए एंड ओ बी टेंजेंट बी एक्टिंग अलोंग द साइड ओ ए एंड ओ बी ऑफ ए ट्रैंगल ओ ए बी. मीन्स आपके पास एक ट्रैंगल है ओ ए बी. ओ ए के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है आपके पास ओ ए टेंजेंट ए. ओ बी के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपके पास ओ बी टेंजेंट बी. तो हमें शो करना है कि इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाए, ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी एंड एक्ट इन द डायरेक्शन. और ये जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता हो, एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, फ्रॉम ओ ऑन ए बी. तो नाउ वी ड्रा ए लाइन से ओ एल फ्रॉम द पॉइंट ओ विच मीट ए बी एट ए. ओके, आपने लेमडा म्यू थ्योरम पढ़ी है. तो लेमडा म्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर इसके लॉन्ग फोर्स लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए एक्ट करता है, इसके लॉन्ग फोर्स अगर आपके पास म्यू टाइम्स ऑफ सी बी एक्ट करता है, म्यू टाइम्स ऑफ ओ बी एक्ट करता है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जो होगा आपके पास वो किसके इक्वल होता है, लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ ए प्लस लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ अलोंग ओ एल. क्लियर है? तो अपने पास बीस के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हो गया आपके पास ओ ए टेंजेंट ए, इसके अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपके पास हो गया ओ बी टेंजेंट बी. किसके इक्वल होगा आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू लेमडा. यहाँ पर लेमडा का काम किसने किया, टेंजेंट ए ने, और म्यू का काम किसने किया, टेंजेंट बी ने. तो आपके पास ये आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ओ एल इज इक्वल टू ओ एल, विच इज़ इक्वल टू लेमडा का काम किसने कर दिया बच्चों, टेंजेंट ए ने, म्यू का काम किसने कर दिया, टेंजेंट बी ने, और ये किसके इक्वल आ जाता है आपके पास, ओ एल आ जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो नाउ वी हैव टू शो दैट विच इज़ इक्वल टू ऑल्सो लेमडा म्यू थ्योरम में आपके पास एक कंडीशन और होती थी. क्या होती थी कि लेमडा टाइम्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी बी, और सी पॉइंट कहाँ होता था, यहाँ होता था. तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, लेमडा का काम किसने किया बच्चों, टेंजेंट ए ने, और सी ए का मतलब एल ए से है, एल ए से है. म्यू का काम कौन करा है बच्चों, टेंजेंट बी, और सी बी का काम कौन करेगा आपके पास, एल बी. क्लियर है? ओके, और ऐसा कब पॉसिबल होता है कि टेंजेंट ए टाइम्स ऑफ एल ए, टेंजेंट ए ऑफ एल ए मीन्स आपके पास क्या है कि एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू टेंजेंट बी बाई टेंजेंट ए. ओके, आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास की ज्योमेट्री में कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, मान लिया जाए कि ए बी सी आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, और यहाँ से आपने कोई भी एक इसके ऊपर क्या डाल दिया बच्चों, परपेंडिकुलर डाल दिया, एल्टीट्यूड डाल दिया, जो डी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाता है. तो ये जो एल्टीट्यूड है वो ही सामने वाली साइड को किस रेशियो में कट करता है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल से टेंजेंट बी बाई ये वाला एंगल से टेंजेंट सी. ओके, ये पॉसिबल कब होता है, जब आपके पास ए डी सामने वाली साइड पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है. अपने पास भी तो सिचुएशन यही आ गई बच्चों, एल ए बाई एल बी मतलब इस ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रा की गई है, और वो लाइन सामने वाली साइड को किस रेशियो में कट कर रही है कि एल ए बाई एल बी, एल ए बाई एल बी डिवाइड बाई टेंजेंट एल ए बाई एल बी डिवाइड बाई क्या, एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू एल ए है तो ये वाला एंगल चलेगा टेंजेंट बी, और एल बी है तो ये वाला एंगल चलेगा टेंजेंट ए. तो यहाँ पे भी रॉन्ग लिख दिया कि बी डी के साथ जो एंगल आएगा बच्चों वो टेंजेंट बी डी के साथ एंगल आएगा टेंजेंट सी, बी डी के साथ टेंजेंट सी आएगा, और डी सी के साथ एंगल क्या आएगा आपके पास, टेंजेंट बी. ठीक है, ये ज्योमेट्री का रिजल्ट हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए. ओके, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकला कि लेमडा टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी बी, इट इज़ द कंडीशन ऑफ लेमडा म्यू थ्योरम. बट अपने क्वेश्चन में लेमडा का काम किससे ले रहे हैं हम, टेंजेंट ए से, सी ए की जगह आपके पास एल ए है, और म्यू का काम किससे ले रहे हैं, टेंजेंट बी से, और सी बी का काम एल बी है. तो यहाँ से हमने देखा कि एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू टेंजेंट बी बाई टेंजेंट ए, तो इसका मतलब एल इस
साइड को इस रेशियो में कट कर रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जो लाइन ओ एल है वो क्या है, ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ ओ एल इज़ परपेंडिकुलर एट ए बी। तो ठीक है, यहाँ से ये वाली बात तो हमने शो कर दी कि इसका जो रिजल्टेंट है वो किसके अलोंग होना चाहिए। हमने ये शो करना था कि वो जो रिजल्टेंट की वो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी, ये जो परपेंडिकुलर के अलोंग वो रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? अब ये वाली बात लेके चलते हैं कि अपने पास क्या था, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी और साथ में क्या चल रहा है, ओ एल। अब ये इस पर क्या है, 90 डिग्री का काम कर रहा है, तो टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एल बाई ए एल लिख सकते हैं। ट्रायंगल ओ ए एल में, ट्रायंगल ओ ए एल में ओ एल बाई ए एल किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ए के, तो इसको लिख दिया ओ एल बाई ए एल। इसी टाइप से टेंजेंट बी की बात करें इस ट्रायंगल के अंदर, टेंजेंट बी किसके इक्वल होगा, ओ एल बाई एल बी, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ओ एल बाई एल बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपके पास, ओ एल चल रहा है। इसका एलसीएम लिया हमने ए एल और एल बी, ए एल से ए एल कट जाएगा, ओ एल इंटू में एल बी आ जाएगा, एल बी से एल बी कट जाएगा, ओ एल इंटू में ए एल आ जाएगा, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है, ओ एल है। आपने ओ एल ऊपर से कॉमन ले लिया, ये एल बी प्लस ए एल बन जाता है, एल बी प्लस ए एल लिख दो या एल बी प्लस ए एल, और डिवाइड में क्या चल रहा है, ए एल एल बी और साथ में ओ एल है। और आपने देखा कि ये ओ एल है और एल बी और ए एल ट्रायंगल के अंदर, आपने देखा कि एल बी प्लस एल ए या ए एल इज़ इक्वल टू ए बी, तो ओ एल इंटू में ए बी, ये वाला ओ एल, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास, ए एल इंटू में एल बी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओ, इसको दोबारा लिख लेते हैं, ओ एल बाई ए एल लिखा जा सकता है और ओ एल बाई एल बी लिखा जा सकता है, और ए बी को अलग से बाहर लिख लेते हैं। आपने देखा था ओ एल बाई ए एल क्या था, टेंजेंट ए, तो इसकी जगह टेंजेंट ए रखा जा सकता है। ओ एल बाई एल बी खुद क्या था, ये भी तो आपने टेंजेंट बी के रिप्लेस किया था ना, टेंजेंट बी है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट बी, और यहाँ पर क्या जाएगा, ए बी। और यही हमें शो करना था स्टेटमेंट में, हमें क्या शो करना था कि जो ओ ए टेंजेंट ए और ओ बी टेंजेंट बी फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसके लॉन्ग, ओ ए और ओ बी के लॉन्ग, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो क्या आना चाहिए, ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी। हमने भी तो यही दिखा दिया, ए बी टेंजेंट ए टेंजेंट बी, और साथ में हमें ये भी दिखाना था कि जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो किसके लॉन्ग होनी चाहिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। वो हमें कहाँ से पता चलता है कि लैम्ब्डा म्यू थ्योरम की जो कंडीशन है कि लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ सी बी, तो इससे हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है। और ये सिचुएशन क्या है कि आपने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी है कि ट्रायंगल ए बी सी में अगर ए डी एल्टीट्यूड है तो वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में कट करती है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू टेंजेंट सी बाई टेंजेंट बी। तो ये रिजल्ट यहाँ पर यूज हुआ, तो इसका मतलब ये जो साइड ओ एल है वो इस ए बी पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, ओ इज़ ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के प्लेन में ओ कोई भी एक पॉइंट है, ए ओ मीट बी सी इन डी। ये कहता है कि मान लिया जाए कि आपके पास ये कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है, हेयर इज ट्रायंगल ए बी और सी। ये कहते हैं कि ए ओ को अगर मीट करें जो आगे मिलकर बी सी को डी पे मीट करती है, तो इसका मतलब ओ कोई भी पॉइंट हम इसके अंदर ले लेते हैं, अगर ए ओ को मीट किया, ए ओ मीट बी सी इन डी, इसको आगे बढ़ाया तो वो बी सी को किस पे मीट करती है, डी पर मीट करती है। शो दैट कंपोनेंट अलोंग ए बी, शो दैट कंपोनेंट अलोंग ए बी एंड ए सी अलोंग ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ, शो दैट द कंपोनेंट्स अलोंग ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाई ए डी आर, इसके अलोंग जो फोर्स है वो ए डी है, आर हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ ए सी इफ ओ इज़ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रेंगल। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो फर्स्ट केस में हम ओ को क्या लेके चलते हैं, हेयर ओ इज़ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रेंगल।
क्लियर स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं कि ए बी के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है, अगर वो लेमडा टाइम सॉरी ए ओ के ए बी के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है, अगर वो ले लेते हैं कि वो लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी है, लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी इज़ द फोर्स एक्टिंग अलोंग ए बी, एंड ए सी के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है, अगर हम उसको मान लें कि वो क्या है म्यू टाइम्स ऑफ ए सी बी द फोर्स एक्ट अलोंग ए सी, देन बाई द लेमडा म्यू थोरम, देन बाई द लेमडा म्यू थोरम फोर्स एक्टिंग अलोंग ए डी, ए डी के अलोंग क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है लेमडा म्यू थोरम में भी, लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए डी। क्लियर है? इफ़ ऐसा कब पॉसिबल है, अगर लेमडा टाइम्स ऑफ बी डी, लेमडा टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी सी इफ़। क्लियर है? हमने क्या कंसीडर किया है कि लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी फोर्स आपका ए बी के लोंग एक्ट करता है, ए सी के लोंग आपके पास म्यू टाइम्स ऑफ ए सी फोर्स एक्ट करता है, तो लेमडा म्यू थ्योरम क्या कहती है कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए सी अलोंग, वो किसके लोंग एक्ट करता है, ए डी के लोंग एक्ट करता है, वो कितना होगा लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए डी, और वेहर डी, और साथ में क्या लिखते थे कि लेमडा टाइम्स ऑफ जो लेमडा है और म्यू है वो इस साइड को किस रेशियो में कट करते हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी सी। क्लियर है? तो देयरफॉर इस इक्वेशंस के क्या लिख सकते हैं कि लेमडा बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस म्यू बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर है? इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हमें शो क्या करना था, हमें ये शो करना है कि शो दैट द कंपोनेंट अलोंग ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई ए डी। तो ए डी फोर्स तो इसके अलोंग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ए बी के अलोंग है और एक ए सी के अलोंग है, तो उन कंपोनेंट की जो वैल्यूज़ है वो हमें क्या शो करनी है, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ ए सी, कब, जब ओ इज़ द सेंट्रोइड। तो ये भी तो क्या है, ए डी क्या है, फोर्स है, किसके अलोंग है, ए डी इज़ द फोर्स अलोंग ए डी, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कंपोनेंट, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कंपोनेंट, एक ए बी के लॉन्ग कंपोनेंट है और एक ए सी के लॉन्ग कंपोनेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। तो जब आपके पास ओ इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ए डी इस ट्रायंगल की क्या है, मीडियन है। तो अगर ओ आपके पास ट्रायंगल का क्या है, ओ अगर हमारे पास सेंट्रोइड है, तो ए डी किसका काम करेगी, मीडियन का काम करेगी, और मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी। अगर बी डी डी सी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू म्यू, लेमडा म्यू के इक्वल हो जाएगा, तो लेमडा को म्यू, लेमडा को म्यू से रिप्लेस कर देते हैं। जब लेमडा को म्यू से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, म्यू प्लस म्यू ऑफ ए बी प्लस म्यू ऑफ म्यू प्लस म्यू एंड ए सी इज इक्वल टू ए डी, इज इक्वल टू ए डी। तो म्यू और हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा, ये हाफ ऑफ ए बी प्लस में हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए डी। तो यही तो हमें शो करना था। तो ए डी जो फोर्स है वो क्या है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू कंपोनेंट, और ये जो कंपोनेंट है हाफ ऑफ ए बी किसके लॉन्ग है बच्चों, ए बी के लॉन्ग है, और हाफ ऑफ ए सी किसके लॉन्ग है, ए सी के लॉन्ग है। यही तो हमें दिखाना था कि शो दैट द कंपोनेंट अलोंग ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ द फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाई ए डी आर हाफ ऑफ ए बी एंड हाफ ऑफ ए सी इफ़ ओ इज़ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम एक अनदर केस लेके चलते हैं, इफ़ ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी इन सेकेंड पार्ट, सेम सिचुएशन है, ट्रायंगल आपके पास ए बी और सी ट्रायंगल है, और एक पॉइंट ओ बीच में है, ए ओ को मिलाया जो बी सी को डी पर मीट करता है। अब क्वेश्चन में जो ओ पॉइंट है वो हमें क्या दे रखा है कि जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ इसका इन सेंटर है। अभी पीछे
ए पार्ट में आपने डिस्कस किया था, जो ए डी फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू लेमडा बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस म्यू बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, ये पीछे हमने पढ़ा था, साथ में एक कंडीशन भी थी कि लेमडा टाइम्स ऑफ बी डी, लेमडा टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी सी। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ए डी इज इक्विवेलेंट, जो ए डी फोर्स है वो इक्विवेलेंट है टू फोर्सेस के, एक है लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए बी एंड म्यू ऑफ ए प्लस म्यू बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए सी। क्लियर है, इसका मीनिंग है कि इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ए डी फोर्स, दैट इज़ द हेयर इज़ द ए डी, तो ये आपके ए बी है, ये आपके पास ए सी है, ये ए डी। ए डी फोर्स का दो कंपोनेंट हैं, एक ए बी के लॉन्ग है और एक ए सी के लॉन्ग है। ए बी के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ये है, ए सी के लॉन्ग कंपोनेंट है वो ये है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपके पास ए डी है, और लेमडा म्यू थ्योरम से ये कंडीशन ये क्या है सेटिस्फाई करता है। मतलब आपके पास क्या है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू म्यू बाई लेमडा। बी डी बाई डी सी किसके इक्वल है, म्यू बाई लेमडा के। आपने अब हम इन सेंटर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि दैट इज़ ए ट्रेंगल से ए बी सी, और एक लाइन है जो ओ से पास होती है और डी पे मिटती है। इन सेंटर, इन सेंटर होता है एंगल बाई सेक्टर। इन सेंटर क्या होता है बच्चों, एंगल बाई सेक्टर होता है। तो आपके पास एंगल बाई सेक्टर है, तो आपके पास इन सेंटर ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी ये ए डी अगर इट इज़ द एंगल बाई सेक्टर ऑफ ए, एंगल बाई सेक्टर मतलब ये एंगल वन और ये एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ से एंगल बाई सेक्टर पास कर दो, यहाँ से भी एंगल बाई सेक्टर पास कर दो, ये जिस पॉइंट पर मीट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। और इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी लाइन जो एंगल को बाई सेक्ट करते हुए सामने वाली साइड पर मिलती है तो वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में कट करती है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू, बी डी के साथ साइड सी आएगी और डी सी के सी साथ साइड क्या आएगी आपके पास, बी आएगी। क्लियर है, इसमें साइड भी कैसे लेते हैं, ए ए के सामने जो साइड की लेंथ होती है वो ए ली जाती है, बी के सामने जो है उस पे बी लिखा जाता है, सी के सामने उसके साथ क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। तो जो एंगल बाई सेक्टर है ए से पास होता है वो उसको किस रेशियो में कट करता है सामने वाली साइड को, बी डी बाई डी सी, और विच इज़ इक्वल टू बी डी के साथ इधर सी है तो ये सी, और बाई डी सी है तो इधर सी बाई बी, तो बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू सी बाई बी। तो मीन्स आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू म्यू बाई लेमडा और विच इज इक्वल टू सी बाई बी। क्लियर है, ओके, तो देयर फोर नाउ अप्लाइंग, तो फ्रॉम हेयर अप्लाइंग एडिंग वन ऑन बोथ साइड, वन प्लस म्यू बाई लेमडा, वन प्लस सी बाई बी, हेयर इज एलसीएम लेमडा, लेमडा प्लस म्यू, हेयर इज बी एंड बी प्लस सी, नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल लेमडा बाई लेमडा प्लस म्यू टाइम्स इज इक्वल टू बी बाई बी प्लस सी। क्लियर, इसी टाइप से अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, म्यू बाई लेमडा किसके इक्वल है बच्चों, सी बाई बी के इक्वल, इसको रेसिप्रोकल ले लो, लेमडा बाई म्यू किसके इक्वल होगा, बी बाई सी के। नाउ एडिंग वन ऑन बोथ साइड, तो वन प्लस लेमडा प्लस म्यू, वन प्लस बी बाई सी, एलसीएम म्यू, म्यू प्लस लेमडा, एलसीएम सी, सी प्लस बी, टेकिंग रेसिप्रोकल म्यू बाई म्यू प्लस लेमडा, सी बाई बी प्लस सी। क्लियर है, ओके, तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो जो ए डी वैक्टर है इसको लेमडा बाय लेमडा प्लस म्यू था, इसको रिप्लेस कर दिया बी अपॉन में बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए बी एंड म्यू टाइम्स ऑफ दैट सी बाय बी प्लस म्यू बी प्लस सी, और साथ में बच्चों इसके साथ क्या है ए सी। तो ए डी जो फोर्स है वो इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट है, दैट इज़ द कंपोनेंट अलोंग ए बी, दैट इज़ द कंपोनेंट अलोंग ए सी। हमें क्या शो करना था सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें यही तो शो करना था, अगर ओ आपके पास इन सेंटर हो जाए तो बी ए बी के साथ बी बाई बी प्लस सी आ जाए, ए बी के साथ बी बाई बी प्लस सी आ गया, और ए सी के साथ क्या आ जाए, सी बाई बी प्लस सी, सी बाई ए बी प्लस सी। तो इसका मतलब क्या है, दीज आर द कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट अलोंग ए बी एंड इट इज़ द कंपोनेंट अलोंग ए सी, बिकॉज ए डी द फोर्स ए डी इज इक्विवेलेंट टू टू फोर्सेज
of this and this which are acting along AB and AC. Okay, now we take the third case. In the third case, अगर ये कहा जाए कि if O is the ortho center of the triangle, अगर O triangle का ortho center है तो prove कीजिए कि tangent B by tangent B plus tangent C के साथ AB आ जाए और tangent C by tangent B plus tangent C के साथ क्या आ जाए. Now in part third, same situation है. ट्रेंगल है आपके पास ए बी सी. ए बी के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है लेमडा टाइम्स ऑफ ओ ए. ए सी के लॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है म्यू टाइम्स ऑफ ओ सी. एक लाइन है ए डी जो ओ से पास होती हुई बी सी को डी पे कट करती है और ये बाय लेमडा म्यू थ्योरम ए डी के लॉन्ग जो फोर्स एक्ट करता है आपने फर्स्ट केस में डिस्कस किया है लेमडा बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए बी टाइम्स ऑफ ए बी प्लस म्यू बाय लेमडा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ए सी. दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग ए बी एंड ए बी. और साथ में कंडीशन थी कि लेमडा टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी सी. फ्रॉम दिस हमने निकाला था कि बी डी बाई डी सी किसके इक्वल होता है म्यू बाई लेमडा के. ओके, अब हम अपने केस पर आते हैं. केस में ओ पर कंडीशन दे दी. अब की बार ओ आपके पास क्या है, ऑर्थो सेंटर है. ओ क्या है आपके पास, ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर का मतलब है कि ये जो ओ से पास होने वाली लाइन है वो सामने वाली साइड के साथ क्या बना रही है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है. क्या बना रही है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाती है. ऑर्थो सेंटर का मतलब ये है कि ए पॉइंट से आप एक लाइन ड्रा करो जो बी सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बी से एक लाइन ड्रा करो जो ए सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सी से एक लाइन ड्रा करो जो ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये लाइनें आपस में जिस पॉइंट पर मीट करती हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी. अगर ओ आपके पास ऑर्थो सेंटर है तो इसका मतलब ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी पे. ए डी इज परपेंडिकुलर टू AD is perpendicular to BC. तो from that you calculate say BD by AD. BD by AD. BD by AD किसके इक्वल होगा, BD base by perpendicular. Base by perpendicular that is equal to cot B. Similarly अगर आप निकाल लेते हैं DC by AD. DC by AD that is base by perpendicular that is equal to cot C. That is equal to cot C. Clear students? तो इन दोनों को अगर हम आपस में डिवाइड करें तो आपको इन दोनों से क्या मिल जाएगा, बी डी बाई ए डी. और इसको इसके नीचे लिखेंगे ए डी, सॉरी यहाँ पर डी सी बाई ए डी था तो इसको नीचे करेंगे तो ए डी बाई डी सी दैट इज इक्वल टू कोट बी बाई कोट सी. और फ्रॉम दैट हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ था ए डी, सॉरी ए डी बाई डी, ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास मिला क्या, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू कोट बी बाई कोट सी. और कोट बी है तो इसको हम लिख सकते हैं वन बाई टेंजेट बी और कोट सी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेंजेट सी. तो हमने क्या देखा कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू टेंजेट सी बाई टेंजेट बी. और वो ये बी डी बाई डी सी खुद किसके इक्वल है, म्यू बाई लेमडा के. जैसे पहले वाले केस में क्या था, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, वन ऐड कर लेते हैं, वन प्लस टेंजेट सी बाई टेंजेट बी इज इक्वल टू वन प्लस म्यू बाई लेमडा. तो टेंजेट बी आपके पास एलसीएम आ जाएगा तो ये टेंजेट बी प्लस टेंजेट सी इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा प्लस म्यू रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टेंजेट बी बाई टेंजेट बी प्लस में टेंजेट सी और यहाँ लेमडा बाय लेमडा प्लस म्यू. क्लियर है, ओके. और सिमिलरली अगर हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल ले लें, मतलब आपके पास टेंजेट बी बाय टेंजेट सी की बात करें, रेसिप्रोकल ऑफ दिस टर्म टेंजेट बी बाय टेंजेट सी इज इक्वल टू लेमडा ऊपर चला जाएगा म्यू नीचे आ जाएगा. फिर वही अगर आप वन ऐड करेंगे बोथ साइड तो वन प्लस टेंजेट बी बाई टेंजेट सी की बात करें, वन प्लस लेमडा प्लस म्यू तो आपके पास आ जाएगा टेंजेट सी इज इक्वल टू टेंजेट सी प्लस टेंजेट बी म्यू एलसीएम हो जाएगा म्यू प्लस लेमडा. अगर इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेंजेट सी बाय टेंजेट सी प्लस टेंजेट बी और यहाँ जाएगा म्यू प्लस लेमडा बाय म्यू. क्लियर स्टूडेंट्स, ओके. नाउ रिप्लेसिंग दिस टर्म, सॉरी रेसिप्रोकलिंग दिस या म्यू बाय म्यू प्लस लेमडा. तो पुटिंग दिस वैल्यूज इन दैट ए डी, हेयर इज ए डी इन दिस इन दैट इक्वेशन. तो आपके पास ए डी क्या आ जाएगा, ए डी
इज इक्वल टू लेमडा बाई लेमडा प्लस म्यू। लेमडा बाई लेमडा प्लस म्यू किसके इक्वल है बच्चों? टेन जेड बी बाय टेन जेड बी प्लस टेन जेड सी, और ये किसके लॉन्ग है? ए बी के लॉन्ग प्लस में, फिर म्यू बाय लेमडा प्लस म्यू। हेयर इज, हेयर इज म्यू बाय लेमडा प्लस किसके इक्वल है? टेन जेड सी बाय टेन जेड सी प्लस टेन जेड बी, और टेन जेड सी बाय टेन जेड बी प्लस टेन जेड सी, और इसके साथ क्या है बच्चों? ए सी। मतलब ए डी जो फोर्स है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेज एंड दैट इज द कंपोनेंट अलोंग ए बी एंड दैट रिप्रेजेंट द कंपोनेंट अलोंग ए सी। ओके स्टूडेंट्स, हमें यही शो करना था कि ए बी के साथ तो क्या आ जाए? टेंजेंट बी बाई टेंजेंट बी प्लस सी, अपना भी यही आया, ए बी के साथ ये और ए सी के साथ ये। ओके स्टूडेंट्स।